बिहार में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के चुनाव प्रचार का जो बिगुल है आज शाम 6 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार दोनों सीटों पर आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार करने के लिए, और चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले तमाम दिग्गज आज खूब पसीना बहाएंगे। मोकामा और गोपालगंज के रणभूमि में भाजपा और आरजेडी के बड़े नेता प्रचार करते हुए दिख सकते हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव भी आज प्रचार करेंगे, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज और मोकामा नहीं जा रहे हो, लेकिन वीडियो संदेश के माध्यम से नीतीश ने गोपालगंज और मोकामा के लोगों से वोट करने की अपील की है। महागठबंधन के पक्ष में मोकामा में जहां नीलम देवी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगा है, तो गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार ने वोट मांगा है। आज तेजस्वी यादव अपने चुनाव अभियान के दूसरे दिन आज फिर से गोपालगंज जा सकते हैं। देर शाम तक तेजस्वी मोकामा पहुंचते हैं कि नहीं यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मोकामा के चुनाव में तेजस्वी एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए हैं। हालांकि गोपालगंज तेजस्वी चुनाव प्रचार कर चुके हैं, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और पार्टी के सभी नेताओं को अलग अलग मतदान केंद्र तक भेजने का निर्देश दे चुके हैं। तेजस्वी गोपालगंज के अंदर जो चुनाव है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तेजस्वी हर हाल में गोपालगंज जीतना चाहते हैं। तेजस्वी को इस बार पूरी उम्मीद है कि गोपालगंज में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले वो हर विधानसभा तक अपनी बात रख सकते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने गोपालगंज चुनाव पर जो सीट है विधानसभा की वहाँ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। गोपालगंज से तेजस्वी यादव का पुराना नाता है, तेजस्वी यादव का वो घर है, उनका जो पारिवारिक रिश्ता है गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि तेजस्वी गोपालगंज सीट इस बार लूज नहीं करना चाहते हैं, हर हाल में जीतना चाहते हैं, और इसलिए तेजस्वी उपचुनाव में गोपालगंज को मिशन गोपालगंज बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ बात मोकामा की कर लेते हैं, तो मोकामा में एनडीए ने अपने आखिरी जो दाव है वो चिराग पासवान के सहारे मोकामा में लगाया है। बीजेपी ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को मोकामा के चुनाव प्रचार में उतार दिया। चिराग पासवान मोकामा में चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। मोकामा में चिराग पासवान बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो मोकामा में कैंप किए हुए हैं। खुद बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल और पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा लगातार उन इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कई अन्य नेता गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, और आज जब आखिरी दिन है तो आखिरी वक्त तक चुनाव प्रचार होगा। चुनाव के भोंपू थमने से पहले आरजेडी और बीजेपी अपने अपने कोटे के दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए हर वो दाव खेलेगी जिससे वोटरों का मिजाज उनके पाले में आ जाए। आपको बता दें कि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के जो तिथि जैसे ही तय हुई थी उसके बाद से ही इन दोनों सीटों पर जोर आजमाइश शुरू हो गया था। आरजेडी ने दोनों सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। महागठबंधन की 7 पार्टियों ने मिलकर आरजेडी को सहमति दी। उसके बाद प्रदेश कार्यालय में आरजेडी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पहली दफे मोकामा में चुनाव लड़ा लंबे अरसे के बाद। मोकामा जीतने के लिए बीजेपी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। दूसरी तरफ गोपालगंज में भाजपा ने पूर्व मंत्री के परिवार को टिकट दिया है और एक बार फिर से सहानुभूति वोट के आधार पर बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि गोपालगंज चुनाव जीत जाएंगे। तो दूसरी तरफ मोकामा में बीजेपी लंबे समय से आरजेडी और अनंत सिंह के वर्चस्व वाले इलाके में सेंधमारी करने की उम्मीद में चुनाव लड़ रही है। देखना है कि शाम 6 बजे के पहले चुनाव प्रचार में कौन कौन राजनीतिक दल के दिग्गज आज अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हैं और क्या कुछ कहते हैं।